दोस्तों, आपके अपने चैनल घरोंदा में स्वागत है। आज हैं हम मंजुला जी के साथ। तो मंजुला जी, आप हमें क्या सिखा रही हैं आज? मैं लोग सब लोग भर के मिर्च का चार बनाते हैं, बनाते हैं लाल मिर्च का। हाँ जी, हाँ आज जी। मैं कटिंग करके आसानी से सब लोग खा सके। कई बार भरी हुई मिर्च को नहीं लोग खा पाते, और ये जो है बहुत टेस्टी बनती है और बहुत स्वाद लगती है, तो मैं आपको उसके बारे में बताना। ये मैंने भी पहली बार देखी, तो इसके लिए क्या क्या हमें सामग्री चाहिए मैम? इसके लिए देखिए, ये धनिया है, इसको अभी हम मसाले को भूनेंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये मेथी है, हाँ जी। ये आपके राई है, और ये पीली सरसों है, हाँ जी। ये नमक है, सौंफ, गरम मसाला, हल्दी और खटाई और हींग। हाँ जी, ओके। तेल है, ठीक है। और हमने मिर्च को ऐसे बारीक बारीक काट लिया। हाँ जी, ये पहले इसको हमने धूप में सुखा, थोड़ा साफ करके सुखा लिया। सुखाने के बाद इसको हमने कटिंग करके थोड़ी और धूप दिखाई, जिससे इसकी जो अंदर की जितनी भी नमी होती है ना, वो ख़त्म हो जाए, तो इससे अचार खराब नहीं होता। ओके, हाँ जी। तो वो फिर उसके बाद इसको हमने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसको हम डालेंगे, ठीक है? ठीक है, हाँ जी। पहले हमने इनको, जैसे ये साबुत मिर्ची थी, इनको पहले हमने धूप में थोड़ा साफ करके धूप दिखाई। धूप दिखाने के बाद इनको कटिंग कर लिया। कटिंग के बाद फिर थोड़ा धूप दिखाया, जिससे इनके अंदर जितनी भी नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम इनके मसालों को, ये है मेथी दाना। हाँ, तो हल्की आँच पर भूनने में। हाँ, हल्की आँच पे, पहले थोड़ी ये गर्म हो जाए। हाँ जी, गर्म करने के बाद हम सिम कर देंगे। हाँ जी, और हमें मेथी दाना भून लेंगे। हाँ जी, तो उसमें हमें कितना लेना है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है? तो हाँ, तो जैसे हमने 50 ग्राम ली, ये 50 ग्राम हर चीज, हाँ, हर चीज 50 ग्राम ली है। और 250 ग्राम हमारी मिर्ची है। हाँ, नहीं, एक पाव। हाँ, 250 ग्राम हमारी मिर्च है, उसमें हमने 50 ग्राम सब चीजें ली है। तो अब हमारी जब मेथी हल्की सी भुन जाए, तो हमने धनिया डाल दिया है साबुत, ये, ठीक है? ये सौंफ है। हाँ जी, अब ये थोड़ा धनिया भुन जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इसको सौंफ डालेंगे। ऐसा होता है ना, ये मसालों की जो होती है ना, अंदर की जितनी भी नमी होती है, तो भूनने से ना, तो एक तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और उनकी नमी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो इनको भून के ही डालना चाहिए, क्योंकि मिर्ची जो होती है ना, ये जल्दी ख़राब होती है। हाँ जी, तो इस तरह से हम डालते हैं, तो मिर्चें वो 2-3 महीने चल जाती है? हाँ, अरे नहीं, मेरी तो पूरी मिर्चें, मैं जो डालती हूँ, मेरी 1-1 साल चल जाती। अच्छा, 1 साल तक? हाँ जी, मेरी मिर्चें 1-1 साल तक, आप मतलब 1 साल में रख सकते हैं। अच्छा, जब हमारी सौंफ, धनिया और मेथी भून जाए, तो हम थोड़ी सी पीली सरसों डालेंगे। अब ये थोड़ा हो जाएंगे ना, उसके बाद ठंडा होने पे हम इसको जार में पीस लेंगे। तो ये हमने इसे 1 से 2 मिनट के 2 मिनट तक भूना है, और फिर इसे जार में डाल लिए, और हल्का सा ठंडा होने पर हम इसे पीस लेंगे। इसलिए अच्छा, अब हमें इसे दरदरा ही पीसना है। हाँ जी, इसको डाल दिए, ठीक है? हमने मसाला डाल दिया है पीसा हुआ। ये हम फिर से ना कढ़ाई को गरम करें, तो हम तेल को पकाने जा रहे हैं, ताकि तेल की स्मेल ना आए अचार में और खाने लायक तुरंत खाया जा सके। अच्छा, ये साथ के साथ इंस्टेंट अचार है? हाँ, इसको ये हम, तो और भी अच्छा है। हाँ, इसको हम तुरंत खा सकते हैं। अच्छा, तेल गरम हो चुका है हमारा। हाँ, इसको हम ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रख दें, एकदम से अगर हम डाल देंगे तो वो जल जाएगा मसाला। ओके, तो इसको हम थोड़ा ठंडा, हाँ, ठंडा करने के बाद इसको मैं, हाँ, तो अब अच्छा हमारा थोड़ा हल्का ठंडा हो चुका है मैम तेल। अब इसमें हम सबसे पहले हल्दी डालेंगे, ठीक है? और उसके बाद ये गरम मसाला, अब ये जो हमने मसाला तैयार किया था, हाँ जी, अब इसको डालेंगे, ठीक है? अब ये राई, ये नमक, नमक हम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार भी डालते हैं, लेकिन कोई भी जो अचार होता है ना, हाँ, उसमें हल्का तेज ही नमक होना चाहिए, क्योंकि बाद के जब तैयार होता है ना, तो वो पता नहीं चलता। ये खटाई, जैसे चलाते रहना है मसाले को। हाँ, बस चला के ना। हाँ जी, का इसमें हम ये मिर्चें डाल दें। अच्छा, ठीक है? तो ये बिल्कुल नया अचार है, मैंने कभी सुना भी नहीं, ना कभी खाया है किसी घर कटी हुई लाल मिर्च का अचार। हाँ, और देखने में बड़ा यम्मी लग रहा है। हाँ,
अब इसमें आप ये देखिए कि ये मतलब जो चीज़ कट डली है वो इसी के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैम इसमें हमारे गैस बंद है? हाँ जी बंद, गैस अब बंद है और अब इसको हम जो है जार में भर देंगे और जार में भरने तो ये तैयार भी हो गया। हाँ जी, इसको आप खा सकते हैं। अच्छा, इसी समय खा सकते हैं। हाँ जी, इसमें तेल की तो आएगी नहीं ना। हाँ जी, तेल हमने पका लिया क्योंकि। हाँ, और देखिए ये तैयार हो गया, इसमें खटाई वगैरह सब डली हुई है और आप इसको। तो ये तो मैम आपने बड़ा ही अच्छा अचार बताया है, बिल्कुल इंस्टेंट मिर्च का अचार और वो भी एक साल तक चल सकता है। हाँ जी हाँ, ये आपको भाई ये है कि इसमें थोड़ा सफाई का और उनका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जो भी कई लोग गंदे हाथ डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं तो अचार हमेशा ख़राब हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अचार ख़राब ना हो इसके लिए थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी, तो थैंक यू मैम आपके इस नई रेसिपी बताने के लिए इंस्टेंट में। अब हम थोड़ा सा हल्का सा और ठंडा हो जाए तो हम इसको जान। तो मैम ये अचार तो आपको बड़े तरह तरह के आते हैं। हाँ जी, तो आप अचारों को सेल आउट भी करती हैं मैम? हाँ जी, मेरा काम है, मैं मेरा कुकीज के नाम से मैं अचार सेल करती हूँ। किस नाम से मैम दोबारा बताएंगे? कुकीज। हाँ, ओके। तो आप गर्मियों में जैसे आम के अचार, चट्टी, सब चीज़? मैं बना के सब तैयार करके रख लेती हूँ। बाकी सीजनल अचार जो होते हैं जैसे गाजर हुई और ये गोभी हुई और आपकी शलजम, मूली, इनका अचार है ये, मैं हाथ के हाथ डाल के 2-3 दिन का टाइम चाहिए होता है। हाँ जी, हाँ जी, खड़ा वो करने के लिए तो हम उसको तो ऑर्डर पे बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको भी अचार बनाने का मन है, मैं इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दूंगी, तो आप भी यहाँ से लिंक करके मैम से फ़ोन करके इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। और अचार ये बिल्कुल नए नए और टेस्टी होते हैं और बिल्कुल शुद्ध होते हैं। सबसे बड़ी बात, कटहल का ये सब तो मेरे पास तैयार मिलता है। अच्छा, आम का, कटहल का सब तैयार मिलता है? जैसे हरी मिर्च हुई, ये सब हुई, ये सब सीजनल होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मेरे को तैयार करना पड़ता है, तो मैं तैयार करके जो भी आपको चाहिए तो उसका ऑर्डर आप दे सकते हैं। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई है मैम ने। फ्रेंड्स, ये हमारा मिर्च का अचार बिल्कुल तैयार है। यदि आप भी मंजुला जी के हाथ का अचार खाना चाहें तो ज़रूर इनसे को ऑर्डर दीजिए। तो धन्यवाद मंजुला जी, थैंक यू सो मच जो आपने हमें इतनी अच्छी रेसिपी बताई। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।